जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन एंड ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों दिन का प्रारंभ करते हैं भगवान जी की पूजा से। तो आज है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। तो आप सभी को मेरी तरफ से रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और उड़ीसा की पुरी में रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए जगन्नाथ जी के लिए मैंने यहाँ पर नया वस्त्र लाया था। तो पुराना वस्त्र जो पहने थे जगन्नाथ जी उनको बदल लेंगे। ये देखिए दोस्तों वस्त्र, ये देखिए अब तुलसी जल से जगन्नाथ जी को स्नान करा के नया वस्त्र पहना लेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जगन्नाथ जी को नया वस्त्र पहना दिया था, कितना सुंदर लग रहे हैं देखिए दोस्तों। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं जगन्नाथ जी। तो चलिए उनको उनके जगह पर रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने लक्ष्मी जी का एक नया प्रतिमा लाया था मैंने, तो इनको स्थापन करेंगे। तो सबसे पहले इनको हम पंचामृत से स्नान करा लेंगे। तो दोस्तों मैंने पंचामृत पहले से ही बना के रखा था। तो पंचामृत जो है वो बनता है दूध दही घी गुड़ और मधु से। तो पहले पंचामृत से स्नान कर देंगे, लक्ष्मी जी को स्नान करा लेंगे। आप ये देखिए पानी से इनको नहला लेंगे, स्नान करा देंगे। पहले जो कोई मूर्ति पहली बार, अगर कोई आप मूर्ति स्थापन कर रहे हो तो उन मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाना जरूरी होता है। तो ये देखिए स्नान कराने के बाद अच्छी तरीके से एक कपड़ा में मैंने इनको पोंछ लिया था। अब इनको थोड़ा सा ये देखिए चंदन और कुमकुम लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मेरा पूजा जो है वो ख़त्म हो गया था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं जगन्नाथ जी और गोपाल जी, सारे भगवान भी देखिए। मैंने यहाँ पर पूजा कर लिया था। लक्ष्मी जी देखिए। तो दोस्तों उड़ीसा का पुरी में जो रथ यात्रा होता है वो विश्व प्रसिद्ध होता है। तो दोस्तों पूजा हो गया, तो चलिए अब प्रसाद की तैयारी करते हैं, आगे फिर बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रसाद बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज भोग में हम बनाएंगे मालपुआ। तो मैं पूरी डिटेल से आपको ये नहीं दिखा पाऊंगी, बस ये देखिए कढ़ाई ले लिया है, खोए से बनाएंगे हम। तो ये देखिए मेरे देवरानी ने भेजा था ये मंडा और पीठा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी चीनी और चीनी भिगनो तक यहाँ तक मैंने डाल दिया था पानी। अब गैस को ऑन करेंगे और चाशनी को बिठा लेंगे हम, चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब कद्दूकस करेंगे खोया को। मालपुए में खोया डालते वक्त ध्यान दीजिएगा खोए में गुठली ना रहे अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था। तो ये देखिए एक बर्तन में मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। ये देखिए चाशनी यहाँ पर बन रहा है, बीच बीच में इसको इस तरीके से चलाते रहना है। तो खोया में मैंने डाला था पानमूरी सूजी और मैदा। आप इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे। मालपुए में इलायची और पानमोहरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मिलाते हुए इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे। तो चलिए आप इस तरीके से एक के बाद एक मालपुआ को इस तरीके से कढ़ाई में हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों रथ यात्रा के दिन सभी के घरों में कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर बनता है, तो आज मैंने मालपुआ बनाया था। तो पहले भोग के लिए बनाकर फिर मैंने खाने के लिए जो लंच है वो रेडी करने लगूंगी। तो पहले चलिए भोग के लिए ही बना लूंगी पहले। तो ये देखिए सुनहरा रंग का हो गया, तो इसको निकाल के अब मैं चाशनी में डाल दूँगी। ये मालपुआ का रेसिपी का पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी।
तो ये देखिए इस तरीके से चाशनी में डाल देंगे मालपुए को। थोड़ी देर डालने के बाद चाशनी से मालपुए को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने भोग निकाल लिया है ठाकुर जी के लिए। अभी दूसरे साइड में भोग लगाने के बाद मालपुआ भी मैं तलूंगी और चावल के लिए मैंने पानी भी चढ़ा लिया है गैस में। तो ये देखिए दोनों काम एक साथ हो रहा है। इधर मैं मालपुआ भी तल रही हूँ, तो पानी गर्म हो गया था तो चावल को अच्छी तरीके से धो के यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं गई थी मेरे जेठानी जी के घर। तो ये देखिए मेरी जेठानी जी यहाँ पर, मेरी बड़ी दीदी जो है वो तुलसी का माला गूंथ रही थी। तो थोड़ा सा ये देखिए, मुझे ये गूंथना नहीं आता, चंदनी माल बोलते हैं इसको, तुलसी का माल। ये बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्द बना देते हैं ये चंदनी माल। तो घर में आने के बाद ये देखिए थैला में ढेर सारे सब्जियां लाए थे ये, तो आज मैं बनाने जा रही थी। ये देखिए तोरी का सब्जी कद्दू डाल के, तो सारी सब्जियों को मैंने इस तरीके से काट के रख लिया था देखिए धोने के लिए बर्तन में। इधर मेरे बड़े बेटे आए थे घर में, ये देखिए सीताभोग जो मिठाई होता है वो लेके आए थे। तो इनके साथ, उनके साथ मैंने यहाँ पर बातें कर रही थी। तो ये देखिए सीताभोग मिठाई ये जेठानी जी ने भेजे थे, तो बच्चों को ये बहुत पसंद है। ये देखिए तुरंत दोनों बच्चों ने खाने के लिए निकाल लिया था। तो बड़ी बच्ची अपने आप निकाली और छोटी के लिए यहाँ पर मैंने निकाल रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ सीताभोग, दोनों बच्चों के बहुत पसंद है, ये फेवरेट है उन दोनों के, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने दही बैंगन बनाया था आज, तो उसके लिए तड़का बना रही हूँ। तो तुरई की सब्जी काट के रखा था, उसी कढ़ाई में ही मैं बना रही हूँ तुरई और लौकी की सब्जी। तो ये देखिए थोड़ा सा प्याज डाल के अच्छी तरीके से प्याज को भुनने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे तुरई को, ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था तुरई की सब्जी, बस पंचफुटन का तड़का, कड़ी पत्ता और नमक डाल के ही बना था। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ देर ढकने के बाद, ढक्कन खोलने के बाद ये देखिए सारा पानी जो था वो सूख गया था। तो ऊपर से थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने बनाया था लंच। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखिए सारी सब्जियाँ जो मेरे हस्बैंड लाए थे गांव से, उनको मैंने सेट कर लिया है फ्रिज में रखने के लिए। सारी सब्जियाँ देखिए फ्रेश आया था, गांव से आया था, तो इसको अच्छी तरीके से धो के मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो खाने का वक्त हो गया दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मेरी छोटी बच्ची के लिए यहाँ पर मैंने लगाया है खाना, चावल दाल थोड़ी सी सब्जी लेंगे और दही। दही बैंगन बनाया था पर उसको पसंद नहीं, इसीलिए नॉर्मली प्लेन दही मैंने उसको दिया था। वो नमक भी नहीं डालती और शक्कर भी नहीं डालती दही में। तो ये देखिए मेरी छोटी बच्ची टीवी देखते हुए खाना खा रही थी, दही अपने आप खाती है पर चावल नहीं खाती। तो ये देखिए टीवी देखते देखते हंसते हंसते खाना खा रही थी। अगर टीवी ना हो या मोबाइल ना हो तो उसका खाना ही नहीं होता दोस्तों। तो शाम का वक्त हो गया, अब हम जाएंगे रथ यात्रा देखने के लिए, जगन्नाथ दर्शन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बड़ी बच्ची रेडी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम सब रेडी हो गए हैं, चलिए देखने चलते हैं रथ यात्रा, आगे बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए थे रथ यात्रा देखने के लिए चौक में। तो ये देखिए रास्ते में कितना भीड़ जमा था, उधर से जगन्नाथ जी रथ में आ रहे थे। देखिए बहुत भीड़ था, गर्मी भी बहुत था। तो ये देखिए जब रथ पास आ गया तो कितना भीड़ जमा गया था देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ही बड़ा भाई। तो मैं आ गई हूँ घर जगन्नाथ दर्शन करके। गर्मी बहुत था दोस्तों, भीड़ भी बहुत था। तो दोनों बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, वो भी गए हैं।
रथ यात्रा देखने जगन्नाथ दर्शन के लिए। तो तब तक चलिए मैं फ्रेश हो लेती हूँ, उनके आने के बाद ही पता लगेगा कि रात के खाने में क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर बाहर से खा के आए होंगे तो कुछ बनाना नहीं होगा, सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए ही बनाऊंगी। तो चलिए उनके आने तक इंतज़ार कर लेती हूँ। तो आने के बाद देखिए दोस्तों खेल रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में।